हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। बच्चे, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, राइट? देन उसके बाद हमने टाइप स्टार्ट की है। इसमें क्या है, जो हम दो रिएक्शन स्टडी कर चुके, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज थर्ड टाइप स्टडी करेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चे देखो, इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स इसके अंदर क्या होगा, कोई एक एलिमेंट होगा, वो दूसरे एलिमेंट को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पर लग जाएगा, राइट? तो इसमें क्या होगा, अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? तो ये आता है रिएक्टिविटी के बेसिस पर। इसको आगे प्रोसीड करने से पहले हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं। मीन्स थोड़ा सा एक्टिविटी परफॉर्म करने से क्या होगा, हमें कॉन्सेप्ट होगा, वो अच्छे से बिल्डअप होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम दो टेस्ट ट्यूब लेकर चलेंगे। उसमें क्या होगा, एक दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाएंगे, राइट? अब उसमें से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, आयरन की नेल को डिप करेंगे। तो जैसे हम आयरन की नेल को डिप करते हैं, थोड़ा टाइम बाद क्या देखते हैं, आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि वहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का कलर था वो फेड हो गया। मीन्स जो कलर था उससे दूसरे कलर में कन्वर्ट हो गया, राइट? जो मीन्स जो कॉपर सल्फेट का आपको पता है कि कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। लेकिन आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि जो जैसे आपने आयरन उसके अंदर डाला, तो जो आयरन डालने के बाद जो आपको कलर मिलता है वो आपको मिलता है ग्रीन कलर। अब ये कैसे हो रहा है, आयरन की रिएक्शन किसके साथ हुई है, कॉपर सल्फेट के साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके वो उसकी जगह पर खुद लग गया है। दैट इज़ कॉपर सल्फेट से क्या बन गया है, आयरन सल्फेट बन गया है और कॉपर एज ए सॉलिड वहाँ से निकल गया, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, ब्लू कलर से किस में कन्वर्ट हो गया है, वो सॉल्यूशन ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, राइट? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम सॉल्यूशन नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? मीन्स इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उस सॉल्यूशन में से। सॉल्यूशन ही था ये, एक्वा सॉल्यूशन था, मीन्स वाटर के अंदर हमने डिजोल्व करके उसको बनाया था, राइट बच्चे? तो यहाँ से हमने इस रिएक्शन के थ्रू क्या कंक्लूड किया, जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो क्या है, जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, राइट? ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सेम इसी टाइप से, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब आयरन की जगह हम क्या लेकर चले हैं, जिंक लेकर चले हैं। तो जैसे जिंक की रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन मिलता है और कॉपर वहाँ पर हमें एज ए सॉलिड मिल जाता है, राइट? मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को, कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर दिया है। तो यहाँ से हम ऑर्डर देखें अगर रिएक्टिविटी का, तो वो क्या होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। गॉट इट बच्चे? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, तो ये रिएक्शन है जिनके अंदर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। और रिएक्शन देखो, लेड प्लस, दैट इज लेड सॉलिड है कॉपर क्लोराइड का, क्या है हमारे पास, एक्वा सॉल्यूशन है। इसके अंदर अगर हम लेड डालेंगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर एज अ सॉलिड, राइट? तो इसके अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर का कंक्लूड करें तो क्या मिलेगा, दैट इज रिएक्टिविटी जो लेड की है, लेड का सिंबल होता है Pb, राइट? तो ये लेड की रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक मैं आपको सीरीज़ दिखा रही हूँ कि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी की सीरीज़ को अगर हम देखें तो किस टाइप से होता है। सबसे पहले पोटेशियम आता है, ये सबसे क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, राइट? ये सीरीज़ दी हुई है टॉप टू बॉटम, दैट इज़ रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जाते हुए डिक्रीज करेगी, राइट? तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट आता है दैट इज़ पोटेशियम, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव, दैट इज मोस्ट रिएक्टिव, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड लास्ट इज प्लेटिनम। मीन्स जो प्लेटिनम होता है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। क्लियर बच्चे? तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज किया हुआ है, उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे। तो हमने क्या देखा था कि जो कॉपर था, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन था, ये भी हमने देख लिया। अब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव लेड भी है और कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक भी है, राइट बच्चे? तो देख ले, देखो आप यहाँ पर इसमें क्या देख रहे हो, आप ये ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि जो रिएक्टिविटी है वो जिंक की, आयरन की, लेड की, वो किससे ज़्यादा है, कॉपर से ज़्यादा है। क्लियर बच्चे? ठीक है, तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए, देन ही आप क्या करोगे, इस जो ये रिएक्शंस हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे, राइट बच्चे? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमने स्टडी किया है डिस्प्लेसमेंट, अब जो हम स्टडी करेंगे वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके वर्ड आगे वर्ड लगा हुआ है डबल, मीन्स इस उस
रिएक्शन के अंदर तो क्या होता है, एक सिंगल एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट की जगह पर लग जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आयंस एक्सचेंज होंगे, मींस दोनों एलिमेंट एक दूसरे की पोजीशन को ले लेंगे, राइट। अब देखो कैसे, देखो सपोज करो आपके पास जनरल रिएक्शन है, ए वाई प्लस बी एक्स गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ बी वाई प्लस ए एक्स। अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ए के साथ कौन था, वाई था, बी के साथ कौन था, एक्स था, लेकिन अगर रिएक्शन होने के बाद क्या है, बी के साथ कौन आ गया है, वाई आ गया, और ए के साथ एक्स आ गया। तो इट मीन्स इस रिएक्शन में क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट के दोनों आयंस क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, मीन्स यहाँ पर वाई भी एक्सचेंज हो गया और एक्स भी एक्सचेंज हो गया, राइट बच्चे। तो क्या बनेगा आपके पास, ए के साथ एक्स लग जाएगा और बी के साथ वाई लग जाएगा, क्लियर। तो इसी वजह से इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों रिएक्टेंट के आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं और हमें प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं, दो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, क्लियर। दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टिपिकली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज अ प्रेसिपिटेट। मीन्स एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब भी ये रिएक्शन होगी डबल डिस्प्लेसमेंट की, इसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट की साइड पर एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा, दैट इज नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, राइट। रिएक्शंस के थ्रू देखते हैं, देखो रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl का एक्वा सोल्यूशन है, दोनों का एक्वा सोल्यूशन है, जैसे हम इनको मिक्सअप करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड का सॉलिड मिल जाता है प्लस सोडियम नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन मिलता है। तो इट मीन्स यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड का सॉलिड मिला है, इट मीन्स इसके हमें क्या मिलेंगे, PPT मिलेंगे, राइट। सेम इसी टाइप से नेक्स्ट रिएक्शन में देखो, बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड, सॉलिड की कौन सा बनाए, बेरियम सल्फेट के PPT मिलेंगे। सेम नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, तो यहाँ PPT किसके मिलेंगे, लेड आयोडाइड के। नेक्स्ट देखो, सोडियम सल्फेट प्लस लेड नाइट्रेट, इन दोनों का एक्वा सोल्यूशन है तो क्या मिलेगा, लेड सल्फेट का सॉलिड प्लस सोडियम नाइट्रेट, मीन्स PPT किसके मिलेंगे, लेड सल्फेट के। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट सॉलिड, इन फॉर्म होगी इसकी फिजिकल स्टेट एंड प्लस में NaCl होगा। तो इट मीन्स यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितनी भी रिएक्शन है हम अगर दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो वहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उस सॉल्यूशन के अंदर आपको एक कंपाउंड ऐसा मिलेगा जो इसकी कैसी होगी फिजिकल स्टेट, सॉलिड फिजिकल स्टेट होगी, राइट बच्चे। तो इसी वजह से इन रिएक्शंस में जब आपके पास प्रोडक्ट की साइड में एक सॉलिड मिलता है, उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। That is, in above reactions, we observe that there is formation of solid substance or compound which is called precipitate, which is insoluble in water, means water के अंदर वो soluble नहीं होता, तभी तो नीचे ही बैठ जाता है वो। This type of reaction is called precipitation reaction. Clear? ठीक है बच्चे। Similarly, one more example, lead nitrate plus potassium iodide give rise to formation of lead iodide plus potassium nitrate. अगर यहाँ पर कलर का चेंजिंग देखें तो यहाँ पर आपको एक येलो कलर के जो सॉल्यूशन होगा प्रोडक्ट में, आपको लिक्विड मिलेगा, लिक्विड के नीचे एक आपको सॉलिड सेटल डाउन मिलेगा, तो वो अगर आपको जो सॉलिड मिल रहा है तो उसका कलर कैसा होगा, येलो कलर का सॉलिड मिलेगा, मींस येलो कलर के आपको PPT मिलेंगे। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें दो आयंस का, मींस जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के दोनों आयंस का एक्सचेंज होगा, राइट। एक्सचेंज होने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट में आपको एक प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, तो उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये बच्ची रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो आज हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टडी किया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टडी किया, राइट। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके बच्चे, थैंक यू।